हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ मोबाइल रख के कहीं बाहर चले गए हैं या वहीं पे आप काम कर रहे हैं लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि आपका फ़ोन कोई छुए और आपका मोबाइल कोई भी हाथ लगाए आपके मोबाइल को, तो तुरंत ही आपको मालूम पड़ जाए कि कोई मोबाइल को छू रहा है या हाथ लगा रहा है या कोई लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही कोई लेने की कोशिश करेगा तुरंत ही आपका मोबाइल आवाज़ करने लग जाएगा। मीन्स ये ट्रिक आप देखिए और आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं कि कोई भी हाथ लगाएगा तुरंत ही मालूम भी पड़ जाएगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के डैशबोर्ड पर। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊँ सबसे पहले आपको मिले। और हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ोन है और इस फ़ोन पे मैंने पूरा सेटअप करके रखा है। अब जैसे ही इस मोबाइल को मैं हाथ में लूँगा या हाथ में लेने की कोशिश करूँगा तुरंत ही ये वाइब्रेशन मोड पे चला जाएगा और रिंगटोन बनने लग जाएगा कि आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि आपका मोबाइल कौन ले रहा है हाथ में या कोई लेने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आप सावधान हो जाएंगे और आप अपने मोबाइल को किसी के हाथ में जाने से भी बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अब ट्रिक को आजमा करके भी देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं अभी मोबाइल को हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये मोबाइल मेरा आवाज़ करने लग गया है। अब इसका अंदर मैंने एक पासवर्ड डाल के रखा है। ये मोबाइल तभी आवाज़ बंद करेगा, मतलब आवाज़ करना बंद तभी करेगा जब मैं इसका पासवर्ड ऑफ़ कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे तो इस एप्लीकेशन का ये जो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर डीएक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे डीएक्टिवेट लिख रहा है। इस पर मैं जैसे ही दबाऊंगा यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो ये पासवर्ड जो है वो मुझे ही पता होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा वैसे ही ये बंद हो गया। लेकिन अब आपको मैं बता दूँ कि आप अपने मोबाइल को कैसे फेस, मतलब ये जो चोरी होने से या किसी के हाथ में जाने से कैसे बचा सकते हैं, तो आप भी ये ट्रिक को आजमा सकते हैं और आजमाइए ताकि आपको मोबाइल सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको करना क्या है। अब जैसे कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है तो इस वीडियो को मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे आपको दबा देना है। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सामने आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले पिन पे दबाना है। पिन पे दबाने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना होगा 4 डिजिट का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, जैसे एक मैंने 4 बार 1 1 दबाया है और यहाँ पे नीचे जो सही का बटन है इस पर दबाना है। फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, फिर से 1 1 1 1 4 बार दबा देना है, फिर ये सेट पे दबा देना है, सेट हो जाएगा। लेकिन मेरा पासवर्ड यहाँ पर अलग है इसलिए यहाँ पर ये देख रहे तो पासवर्ड नॉट मैच बता रहा है, गलत बता रहा है। जैसे कि मेरा पासवर्ड है 3498, यहाँ पर ये मेरा पासवर्ड है और मैं सही पर दबा दूंगा। इतना दबाने के बाद ये देखिए, ये एक सेकेंड, ये पूरा पासवर्ड पहले हटा दूँ और तीन, अभी देखिए अभी वो काम करेगा। तो ये देख रहे होंगे अभी बोल रहे हैं एंटर न्यू पिन, तो मुझे न्यू पिन नहीं सेट करना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, डालिए और उसके बाद यहाँ पे टोन 4, यहाँ पे टोन में जो दिख रहा है टोन, इसमें आप जो भी रिंग टोन आपको अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि ये वाला रिंग टोन आवाज़ तेज है या ये वाला बेस्ट है, चाहते हैं कि हमारा मोबाइल कोई भी ले तो ये वाला रिंग टोन बनना चाहिए, तो इसमें से आप जो भी सेट करना चाहते हैं सेट कर दीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने मेरे मोबाइल को मैंने खुद ही हाथ लगाया तो कैसे आवाज़ करने लग गया। और यहाँ पर देख रहे तो वाइब्रेशन ऑन, जैसे कि वाइब्रेशन ऑन है, जैसे ही कोई मोबाइल को हाथ लगाएगा तुरंत ही वाइब्रेशन मोड पे भी चला जाएगा और टोन भी बजने लग जाएगा। तो दोनों बहुत बढ़िया ट्रिक है, दोनों को यूज़ कीजिए। और नीचे है हाउ टू यूज़, तो हाउ टू यूज़ की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको पूरा ऐसे ही समझा दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे चलिए मैं बैक आ जाता हूँ और इस मोबाइल को वापस यहाँ पर मैं नीचे रख देता हूँ और यहाँ पर एक्टिवेट लिखा है, एक्टिवेट पर मैं दबा देता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर हम लोग ये पूरा ऐसे मतलब क्लोज कर देते हैं सब कुछ और आपके सामने दिख रहा होगा मोबाइल कोई हाथ नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं, एक जगह पे कोने में समझ लीजिए पड़ा है। अब चाहते हैं कि इस मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगे और हाथ लगाए तो मालूम पड़ जाए। तो जैसे कि अभी देख रहे होंगे ये मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस मोबाइल को मैं तुरंत यहाँ से हाथ लगाऊंगा, मतलब इसमें अभी मैं इसको टच करूँगा और देखते हैं आवाज़ करता है या नहीं। तो ये देख रहे होंगे तो ये आवाज़ कर रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन करना है या ऊपर देख रहे होंगे तो नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे वो एप्लीकेशन को दिख रहा है बंद करने के लिए। जब तक आप बंद नहीं करेंगे, पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये बंद होगा नहीं, ऐसी आवाज़ करता रहेगा और आप इजीली उस चोर को या जो कोई भी होगा आपका मोबाइल को छू रहा है उसको आप इजीली पता कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को बचा सकते हैं। तो डीएक्टिवेट पर दबाना है और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड डाले हैं नया वाला उसको यहाँ पर डाल करके बस डालेंगे, जैसे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। फिर से अगर आप चाहते हैं कि एक्टिवेट करके रख दूं तो एक्टिवेट करके रख सकते हैं और ऐसे आप अपने मोबाइल को सेफ सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कि हमारा आज का ये वीडियो जो है, ट्रिक जो है, वो बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और एक शेयर जरूर करें ताकि एक शेयर से आपके दोस्त और आपके फैमिली की भी मोबाइल सुरक्षित रह सकता है।
तो दोस्तों देख रहे हैं तो ये मोबाइल मेरे हाथ में है और यहाँ पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको पूरा लिख के भी दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वही आपको वहाँ पे भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे तभी मैं यहाँ पे लिखूँगा डोंट टच माई फ़ोन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया है, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो ये देख रहे होंगे तो डोंट टच माई फ़ोन लिखा हुआ है और इसी में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इसी पे आपको दबा देना है। ये देख रहे होंगे तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका लोगो योगो सब अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप इसको प्रोसेस में डालेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तो ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे इसको इंस्टॉल करना है और ज़्यादा बड़ा MB का नहीं, ये 1-2-3 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके जो कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।